भगवान के पास। तो आज यशोधरा के भड़काने से यशोधरा को समझ नहीं सकी। इधर अपने पुत्र राहुल को यशोधरा ने रात भर तोते की तरह पढ़ाया कि बेटे, जब सुबह तुम्हारे पिता कपिलवस्तु की गलियों में भिक्षा टन करने के लिए आए, तब उनके पास में तुम दौड़ करके जाना और अपने पिता से कहना, पिताजी मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो, मेरा अधिकार मुझे दे दो। यशोधरा ने, राहुल 8 वर्ष के थे, 8 वर्ष के राहुल को आज तोते की तरह यशोधरा ने पढ़ाया है, समझाया है। लेकिन सारी रात राहुल को सोने नहीं दिया, केवल एक ही बात उसे रटवा दी गई है कि जब तुम्हारे पिता सुबह भिक्षा टन करने के लिए आए तो उनके पास में जाकर के कहना कि तुम्हें मुझे मेरा अधिकार दे दो। तो आज इस समय जब सुबह हुआ है, गरुड़ के सागर तथा गर्भ भिक्षुओं के साथ में लेकर के कपिलवस्तु गणराज की गलियों में भिक्षा टन करने के लिए चले हैं। जैसे कपिलवस्तु के राजा महाराज से शत्रुघ्न के महलों के समीप से गुजरे हैं, यशोधरा इंतजार कर रही थी उनका। यशोधरा इंतजार कर रही थी सिद्धार्थ गौतम का